तो आइए नेक्स्ट ऐसे शुरू करते हैं बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 लीगल पॉइंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं इसको। देखिए क्या कहते हैं लीगल पॉइंट, क्या इसका बेस मजबूत राजनीति और मजबूत प्रजातंत्र का दर्पण और दीप का पत्थर होती है। दिल्ली दिल में थोड़ा सा ट्रांसलेशन आप भी करें ताकि हमें लगे कि 1 तारीख के आसपास घूम रहे हैं। रोबस्ट क्या है? रोबस्ट राजनीति पॉलिटिक्स, रोबस्ट क्या है? पॉलिटिक्स है, राजनीति हो गई। इज क्या क्या है? बहुत ध्यान से लिखना है आपको, लिखते हुए बस प्रैक्टिस करनी है। मिरर है, मिरर का मतलब दर्पण। एंड एंड क्या है? कॉर्नर स्टोन, नींव का पत्थर है। मनी बंद करते जाना, कॉर्नर स्टोन नींव का पत्थर है। कॉर्नर स्टोन ऑफ किसका कॉर्नर स्टोन है उसको बुला लो। ये कहता है मजबूत प्रजातंत्र का, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, वहां पे रोबस्ट कर लिया, यहां पर स्ट्रॉन्ग कर दो। मतलब एग्जेक्टिव के साथ लिखोगे तो वो जो आपकी लेंथ है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी और आइए, राजनीति पुरुष प्रधान समाज का हथियार और अखाड़ा थी, किसी जमाने में जा रहे हैं, हथियार भी थी और बोले साहब हम भी करेंगे। पॉलिटिक्स वाज वेपन, पॉलिटिक्स थी, वाज को लाओ, वाज हथियार थी, वेपन हथियार थी, वेपन और अखाड़ा थी, यही लोग रहते थे इसमें। एरिना, एरिना का मतलब अखाड़ा, वेपन का मतलब हथियार। पॉलिटिक्स वाज वेपन एंड एरिना, किसका? पुरुष प्रधान समाज का, हम ही बनेंगे जो भी बनेंगे। ऑफ बैकग्राउंड ला रहे हैं इसका, मेल डोमिनेटेड, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ठीक है साहब, पॉलिटिक्स को बता दिया, बैकग्राउंड ला रहेगी पॉलिटिक्स, फिर औरत को, फिर आगे रहेंगे हम। रॉबस्ट पॉलिटिक्स इज मिरर एंड कॉर्नर स्टोन ऑफ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स वाज वेपन एंड एरिना ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, डोमिनेटेड सोसाइटी। और क्या कह रहे हैं, राजनीति और औरत का एक 36 का आंकड़ा था, वो जानती नहीं थी कि राजनीति जैसा कोई वर्ड जिंदगी में एग्जिस्ट भी करता है। उस समय ए वुमेन, उसका बैकग्राउंड ला रही है, ए वुमेन एंड पॉलिटिक्स, ए वुमेन एंड पॉलिटिक्स हैड, क्या था? 36 का आंकड़ा, पोल्स अपार डिस्टेंस, फ्रेज यूज करनी है, सीधे 3 वर्ड ले जाएगी, पोल्स अपार्ट डिस्टेंस, 36 का आंकड़ा था, पोल्स अपार्ट डिस्टेंस। ए वुमेन एंड पॉलिटिक्स हैड पोल्स अपार्ट डिस्टेंस। और आगे चलो, एक औरत कोलू के बैल की तरह चूल्हे चौके में काम किया करती थी, उसका बैकग्राउंड ला रहे हैं, किया करती थी, यूज टू, ग्रामर का बराबर फॉलो करवा देना। ए वुमेन used to do, क्या करती थी? घरेलू कार्य, चूल्हा चौका को बोलते हैं डोमेस्टिक चोर्स, डोमेस्टिक चोर्स, चूल्हा चौका, जो भी रोटी बनाना है, जो भी मतलब घरेलू कार्य है, सारे डोमेस्टिक चोर भी किया करती थी। ठीक है, बैकग्राउंड चल रहा है पास्ट में, हम पास्ट में रोटेशन ले रहे हैं कहानी का। ए वुमेन यूज टू डू डोमेस्टिक चोर्स, वो चूल्हा चौका क्या करती थी, किसकी तरह? एक कोलू की बैल की तरह, 12 बजे से सोना, 4 बजे उठना, और कोलू की बैल की अकिन टू, एक उपमा दे रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, अकिन टू ए प्लॉडर, एक कोलू के बैल की तरह। बैकग्राउंड स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना है, प्लॉडर, फिर राजनीति के आसमान में उड़ना उसके लिए दिन का सपना था, दीवा सपना था कि मेरा भी कोई वजूद है क्या। सेंटेंस को बहुत अच्छे को मिला रहे हैं, टू फ्लाई इन स्काई ऑफ पॉलिटिक्स, आराम से उड़ना कहां, राजनीति के आसमान में, स्काई ऑफ पॉलिटिक्स, स्काई ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के आसमान में उड़ना उसके लिए दिन का सपना था। मैं भी उड़ सकती हूँ क्या? मैं भी एमपी या एमएलए के चुनाव को कंटेस्ट कर सकती हूँ क्या? नहीं। टू फ्लाई इन स्काई ऑफ पॉलिटिक्स वाज, दिन का सपना था, डे ड्रीम, या रेवरी भी लिख सकते हो, रेवरी भी दिन का सपना, किसके लिए? उसके लिए।
औरत के लिए फोर हर, दिल का सपना था उसके लिए फोर हर, और क्या चाहती है वो, मजबूत, सेकंड पैरा पर आइए, मजबूत प्रजातंत्र के लिए वोट देना उसके लिए खूबसूरत ख्वाब था, उसको तो वोट देना ही नहीं आता था, लड़ेगी क्या, कंटेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, वोट देना भी उसके लिए सोचता कि मुझे देना चाहिए क्या नहीं। टू, नेक्स्ट पैरा टू, कास्ट वोट, वोट देने के लिए कास्ट आएगा, टू कास्ट वोट, वोट देना जा ही नहीं सकती थी, वोट देना काय के लिए, मजबूत प्रजातंत्र के लिए उसके लिए खूबसूरत ख्वाब था, वाज स्नेजी ड्रीम, ब्यूटीफुल ड्रीम भी कर देना कोई जरूरी नहीं है, वाज ब्यूटीफुल ड्रीम, इससे भी काम हो जाएगा, और याद आ जाए तो स्नेजी सरियल कर देना, दो बार लिखना पड़े तो अलग अलग कर देना, स्नेजी सरियल फॉर हर, उसके लिए काय के लिए, मजबूत प्रजातंत्र के लिए फोर सेलुबीरियस, सेलुबीरियस यानी मजबूत स्ट्रॉन्ग, सेलुबीरियस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, टू कास्ट वोट, वाज ब्यूटीफुल ड्रीम और स्नेजी सरियल फॉर हर और सेलुबीरियस डेमोक्रेसी, बच्चे पैदा करना पहला काम, विशाल परिवार का पालन पोषण करना दूसरा काम, मजाक और कटाक्ष का पात्र बनना उसकी किस्मत थी, इसके अलावा कुछ नहीं, कहाँ की राजनीति, कैसी राजनीति, आओ उसके काम करवाते हैं, बच्चे पैदा करना टू एंजेंडर चिल्ड्रन, पहला काम की तरह यही काम है बच्चे पैदा करना, दूसरा काम बड़े सारे परिवार के लिए रोटी बना तू, तेरा यही काम है, टू नर्चर ए बिग फैमिली या इनॉर्मस फैमिली, नर्चर यानी पालन पोषण करना, टू नर्चर ए बिग फैमिली, एक बड़े परिवार का पालन पोषण करना ये तेरी काम है, इसके अलावा राजनीति, राजनीति तो तू वोट देने नहीं जा सकती, तो कंटेस्ट करना तो तेरे लिए बहुत अजीबोगरीब सपना है, वहां तक तो पहुंचना फार क्राई है, कंटेस्ट तो कर ही नहीं सकती है तू, उसके वर्क उसे समझा रहे हैं, दे रहे हैं, देखिए आप फिर क्या हुआ, टू नर्चर ए बिग फैमिली, टू एंजेंडर चिल्ड्रन, और तेरे काम बता, और हंसी और कटाक्ष का पात्र बनना, टू मेक, बड़े आराम से टू मेक, हंसी का पात्र लाफिंग, लाफिंग, कटाक्ष का पात्र टॉन्टिंग, कटाक्ष यानी ऐसे नहीं कर सकती, बस सूरत है जो भी है मांझ है, लाफिंग एंड टॉन्टिंग स्टॉक, कनेक्शन चल रहा है, हंसी और मजाक का पात्र वाज हर डेस्टिनी, बहुत खूबसूरत लाइन है, लाइनों को पकड़ने की कोशिश करना, वाज हर डेस्टिनी उसकी किस्मत थी, क्या क्या किस्मत थी, बच्चे पैदा करना, एक बड़े परिवार का पालन पोषण करना, सब आ गया इसमें, बर्तन मांजना, रोटी बनाना जो भी है, और हंसी और मजाक का पात्र बनना, बाई चांस सब्जी में नमक ज्यादा हो गया पूरा परिवार टॉन्ट करेगा, थोड़ी सी शक्ल सूरत भगवान ने सही दी दी उसको लाफिंग स्टॉक बनाएगा, यानी उसके दर्द को तो कोई समझने वाला था ही नहीं, ये हम यहाँ पर ला रहे हैं। फिर एक बहुत अच्छी लाइन, बहुत खूबसूरत लाइन देखिए आप, राजनीति के गलियारों में कदम रखना उसके लिए या तो एक गुनाह था या एक महापाप, बहुत खूबसूरत लाइन है, राजनीति के गलियारों में कदम रखना, इसको आप टू से शुरू करेंगे या तो सीधा एक सीधा सा वर्ड लगा दें ट्रेड, ये वर्ड भूल जाएं तो पुट स्टेप करना पड़ेगा, अभी दिमाग में नहीं आया कोई बात नहीं, कदम रखना दोनों का ही मतलब है, ट्रेड में कुछ नहीं लगाना उसमें स्टेप, कहां राजनीति के गलियारों में, इन पैसेज ऑफ पॉलिटिक्स, गलियारे बोलते हैं गलियारे को बोलेंगे, पैसेज ऑफ पॉलिटिक्स ऐसे बोला जाता है, राजनीति का गलियारा, पैसेज ऑफ पॉलिटिक्स क्या था उसके लिए, क्या था वो देखिए आप, उसके लिए एक या तो जिसे कहते हैं एक पाप था या एक महापाप था, उसके लिए जो उसके लिए था वही ला रहे हैं,
उसके लिए ये या तो एक महापाप है या एक गुनाह है। वाच वाच या तो बुलाओ आइदर को, आइदर ए गुनाह को वैसे सही वार्ड में बोलते हैं परपीट्रेशन, परपीट्रेशन ये वर्ड भूल जाएं तो एक गिल्ट से भी काम चल जाएगा, ये हल्का वर्ड है। और या तो एक गुनाह है या एक महापाप, ए मर्टल सिन, या तो एक गुनाह है या एक महापाप था, अब तो नहीं है। फिर क्या हुआ, राजनीति पुरुष प्रधान समाज का या तो अहंकार था या अभिमान। फिर लास्ट में वर्ड को चेंज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स वाच, पॉलिटिक्स वाच आइदर अभिमान और अहंकार एक ही चीज है, वाच आइदर कंसिट, आइदर कंसिट यानी अभिमान और क्या था अहंकार एरोगेंस, और एरोगेंस था कि साहब हम ही है सरपंच, एरोगेंस फोर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। आगे चलो, एक औरत को रूढ़िवादी भारतीय समाज में अबला माना जाता था, तो आप बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, इसके बैकग्राउंड में आप कहीं भी घुमा देना इस कहानी को, हर जगह एडजस्ट होने को तैयार है, बस कनेक्शन कहीं ना कहीं विमेन से होना चाहिए, किसी भी वे में ये कहानी अपना रोटेशन ले सकती है। ये क्या कहता है, एक औरत को रूढ़िवादी भारतीय समाज में अबला माना जाता था, ए वुमेन माना जाता था, ए वुमेन, फिर आप यूज टू को लेकर आओ, यूज टू बी पैसिव में, इस वगैरह मत कर देना, ये पुरानी बात है, और यूज टू बी बाई चांस भूल जाओ तो हैड बीन को यूज कर देना, हैड बीन भूल जाओ तो वाच को यूज कर देना, बस इसके अलावा कहीं बताना कि पास्ट ही लेना है हमें। ए वुमेन यूज टू बी अज्यूम्ड मानी जाती थी, अज्यूम्ड वनरेबल वी यू एल एन ई आर ए बी एल ई वनरेबल अबला, वनरेबल अबला, अबला मानी जाती थी किसमें, रूढ़िवादी भारतीय समाज में, इन ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी रूढ़िवादी समाज में, और उसके वजूद को कुचल दिया जाता था औरत के नाम पर, उसके वजूद को हर एंटिटी, फिर यूज टू बी को लाओगे, इसमें यूज टू बी अच्छा चल रहा है, एंटिटी यूज टू बी, हर एंटिटी यूज टू बी suppressed, suppressed यानी कुचलना, used to be suppressed, used to be suppressed, एक औरतपन के नाम पर कि तू औरत है, थोड़ा सा बढ़ा दो बात को, in the name of womanhood, कि औरत है तू क्या करेगी, कैसे जाएगी, क्या राजनीति करेगी, राजनीति में जाना बुरा है तेरे लिए, गलत है तेरे लिए। एक घर में उसका अस्तित्व तो एक मूक जानवर के समान था, औरत का बैकग्राउंड ला रहे हैं 2000 इसमें जाने से पहले, हर एग्जिस्टेंस वाज अकिन टू ए ब्रूटल, हर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस वाज अकिन टू ए ब्यूट ब्रूटल, ब्रूट ब्रूटल एक बेजुबान जानवर के समान था। वो कहना बस कंटेंट तैयार कर लेना, इंग्लिश को रोटेशन में ले आओगे, इंग्लिश को बड़ा खेल रही है अब। हर एग्जिस्टेंस वाज अकिन टू ए ब्यूट ब्रूटल, और राजनीति उसके लिए कर्णप्रिय शब्द था कि बहुत बढ़िया लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं। राजनीति जैसा कोई शब्द होता है क्या, बिल्कुल होता है, वो भी जब चुनाव होते थे। पॉलिटिक्स वाज ए स्वीट ऑडिएबल वर्ड, स्वीट और लगा दो, स्वीट ऑडिएबल, ऑडिएबल सुनने में अच्छा लगता है, ऑडिएबल वर्ड फॉर हर, एक कर्णप्रिय शब्द लगता था, स्वीट ऑडिएबल वर्ड लगता था, और कुछ नहीं, और नथिंग, एक स्वीट ऑडिएबल वर्ड लगता था, और नथिंग, और कुछ भी नहीं।
और नथिंग कुछ भी नहीं। इसके आगे दक्यानुसी भारतीय समाज एक औरत के साथ सौतेला व्यवहार किया करता था, ये मेंशन करना जरूरी है। भूतकाल चल रहा है, भूतकाल में आप भूमिका बनाएंगे। ए वुमेन यूज्ड टू बी बिहेव, किया करता था, इसके द्वारा जरूरी होगा तो बाद में लिख देंगे। ए वुमेन यूज्ड टू बी बिहेव्ड, बहुत अच्छा वर्ड आ रहा है आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत वर्ड बिहेव्ड। कैसे, सोतेले व्यवहार से, विथ स्टेप मदरली, विथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कहते हैं सोतेला व्यवहार, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट। कहाँ का क्या वाला, और हर और नथिंग, और कुछ भी नहीं था, और नथिंग यानी कुछ भी नहीं था, और नथिंग। ए वुमेन यूज्ड टू बी बिहेव्ड विद स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इन पैरोकियल इंडियन सोसाइटी, इन पैरोकियल पैरोकियल इंडियन सोसाइटी, रूढ़िवादी भारतीय समाज में। ये हमने बैकग्राउंड बनाया वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 का, एक बैकग्राउंड कि एक औरत को वास्तव में देखा जाए तो रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। यदि फ्रीडम के बाद उसको सही सही एंटिटी मिल जाती तो शायद हो सकता है कि इस बिल की जरूरत ही ना पड़ती, तो इस बिल की जरूरत पड़ रही इस सारे कार्यक्रम के कारण, पैरोकियल इंडियन सोसाइटी के कारण। क्लियर, आज के लिए इतना ही रख लें, अपडेट कर लेना, बिल्कुल चल जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो।